इंडिया रशिया की डिफेंस कोऑपरेशन में एक नया बूस्ट देखने को मिल सकता है। रीसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इंडिया में सुखोई 30 फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग को कंसीडर कर रही है, जो स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट मार्केट के लिए होंगे। मतलब सुखोईस को इंडिया में असेंबल करके पोटेंशियल कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब क्योंकि रशिया सुखोईस का ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, तो इन फाइटर जेट्स को इंडिया रशिया के एक ज्वाइंट वेंचर के अंडर प्रोड्यूस किया जाएगा और रशिया इंडिया के इस प्रोडक्शन एफर्ट डिसीजन पर ऑलरेडी एग्री कर चुका है। नाउ HAL सुखोई 30 की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए ग्लोबल डिफेंस फोर्सेस के साथ डिस्कशंस में है, ताकि पोटेंशियल मार्केट और पोटेंशियल कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली इस ज्वाइंट वेंचर के डिसीजन को फर्दर मूव किया जा सके। सुखोई 30 की असेंबलिंग के लिए HAL अपनी ओल्ड नासिक फैसिलिटी को ही यूज़ करेगा, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 की प्रोडक्शन एंड ओवरहॉलिंग की जाती है। लास्ट ईयर HAL ने इस नासिक फैसिलिटी में LCA तेजस Mk1A की थर्ड असेंबली लाइन की इनॉग्रेशन की थी, ताकि IAF के तेजस के ऑर्डर्स को ऑन द टाइम या उससे पहले डिलीवर किया जा सके। तेजस की दो मेन प्रोडक्शन लाइंस HAL के बेंगलोर डिवीजन में हैं, जिसकी ईयरली 16 LCA प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, 8 एयरक्राफ्ट्स पर प्रोडक्शन लाइन। अभी LCA की इस थर्ड प्रोडक्शन लाइन के सेटअप का काम चल रहा है, और HAL के अकॉर्डिंग 2025 एंड या 2026 स्टार्टिंग से इस नासिक फैसिलिटी से तेजस Mk1A वेरिएंट को रोल आउट किया जाएगा। इस लाइन के फंक्शनल होने के बाद HAL इंडियन एयरफोर्स को हर साल 24 LCA Mk1A डिलीवर करने में कैपेबल होगा। HAL नासिक डिवीजन में सुखोई 30s को ओवरहॉल करके ऑलरेडी अपनी कैपेबिलिटी को शो कर चुका है। लास्ट ईयर डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरामने द्वारा 100th ओवरहॉल्ड सुखोई इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया था, और ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस के बावजूद HAL की इस नासिक डिवीजन बेस्ड रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी में हर साल 20 सुखोई 30s को ओवरहॉल किया जा सकता है। इस ओवरहॉल फैसिलिटी को 2014 में एस्टेब्लिश किया गया था, और ये ग्लोबली अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग फैसिलिटी है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम HAL ने इंडियन एयरफोर्स, रेगुलेटरी बॉडीज और प्राइवेट इंडस्ट्रीज की सपोर्ट से रिपेयर एंड ओवरहॉल टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक्सपर्टाइज हासिल की है, और साथ ही इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर में अपने आप को एज अ की प्लेयर भी एस्टेब्लिश किया है। नाउ सुखोई 30 अपनी वर्सेटिलिटी और फायर पावर कैपेबिलिटीज की वजह से एक हाईली डिमांडेड मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसको मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमेरिका की कई एयरफोर्सेज द्वारा यूज़ किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के पास करंटली सुखोई 30 MKI वेरिएंट्स की करीब 260 यूनिट्स ऑपरेशनल हैं। ये सुखोई 30 MKI रशिया के सुखोई 30 वेरिएंट का कस्टमाइज्ड वर्जन है, जिसको इंडियन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया गया है। इसके अलावा IAF 12 एडिशनल सुखोईज भी प्रक्योर करेगी, जिसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री HAL को 10,000 करोड़ का टेंडर इशू कर चुकी है। सुखोईज की टोटल सेंक्शन स्ट्रेंथ 272 की है, बट पिछले दो दशक में IAF करीब सुखोईस की 12 यूनिट्स लूज कर चुका है, और उस गैप को पूरा करने के लिए ही इन एडिशनल सुखोईस को प्रक्योर किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस पोटेंशियल ज्वाइंट वेंचर के लिए अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, और फर्दर डिटेल्स जैसे कि प्रोडक्शन वॉल्यूम्स, टाइमलाइंस, कॉन्फिग्रेशंस और वेरिएंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए भी अभी वेट करना पड़ेगा। 600 प्लस सुखोई 30s रशिया, इंडिया और चाइना के साथ वर्ल्ड की 15 एयरफोर्सेस की सर्विस में है, और इंडियन एयरफोर्स इनका सबसे बड़ा ऑपरेटर है, इवन लार्जर देन रशिया। रशिया के नंबर्स की बात करें तो रशियन एयरफोर्स और नेवी में करीब 220 सुखोईस ही ऑपरेशनल हैं। वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और अल्जीरिया जैसी कंट्रीज एडिशनल सुखोईस के लिए इंडिया के पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। सो सुखोईस की असेंबलिंग और एक्सपोर्ट का डिसीजन HAL की मार्केट शेयर और गुडविल दोनों को बूस्ट करेगा, और फ्यूचर में LCA के एक्सपोर्ट्स को भी इससे मदद मिल सकती है। प्रोडक्शन के साथ अगर HAL सुखोईस की रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग सर्विसेज को भी एक्सटेंड करता है, तो सुखोईस के बहुत सारे ऑपरेटर्स को उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि करंटली रशिया यूक्रेन वॉर के कारण पिछले 2-3 साल से एक लार्ज सप्लाई चेन गैप देखने को मिला है, जिसका इफेक्ट बहुत सारी मिलिट्रीज पर पड़ा है जो रशियन वेपन्स को यूज़ करती हैं। बट मेजर इफेक्ट इंडिया पर है, क्योंकि इंडियन मिलिट्री में मेजॉरिटी आर्म्स एंड इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन है, जिनकी मेंटेनेंस और रिपेयर और ओवरहॉलिंग के लिए रशिया की हेल्प ज़रूरी है। बट रशिया करंटली इन सर्विसेज को एक टाइम फ्रेम के अंडर कंप्लीट करने में कैपेबल नहीं है।
सो HCL की तरफ से सुखोई 30s की मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज सुखोई 30s के वर्ल्ड वाइड ऑपरेटर्स को अट्रैक्ट करेंगी और इंडिया इन 4.5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर्स की ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग का एक ग्लोबल हब बन सकता है। इसके अलावा HCL के पास IAF के सुखोईस की मेजर अपग्रेडेशन का प्रोसेस भी पेंडिंग है जिसकी कॉस्ट अराउंड 60,000 करोड़ होने वाली है। इस मेजर अपग्रेडेशन में पहले 84 सुखोईस को अपग्रेड किया जाना है जिसमें नए रडार्स, मॉडर्न एवियोनिक्स, मिशन कंट्रोल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एडवांस्ड वेपन्स की इंटीग्रेशन जैसी अपग्रेडेशन की जाएंगी। और इस अपग्रेडेशन में बहुत सारे रशियन ओरिजिन कंपोनेंट्स को इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस किया जाएगा और ये अपग्रेडेशन प्रोसेस इंडियन सुखोईस को 4.5th जनरेशन से अपग्रेड करके 4.5th प्लस जनरेशन की कैटेगरी में ले जाएगा जिससे IAF की एयर पावर और रीजन डोमिनेंस को एक श्योर बूस्ट मिलेगा। लास्ट में इस पॉसिबल जॉइंट वेंचर से इंडिया को नई एक्सपोर्ट मार्केट मिलेगी, डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे और इंडिया रशिया की डिफेंस कोऑपरेशन भी और मजबूत होगी।